हम नाम जानेंगे, हम तो नाम जान ही रहे हैं आपका, लेकिन हम आपका नाम जानेंगे। नाम तो नाम पहचान राजकिशोर यादव जी। क्या करते हैं सर आप? करते तो बहुत चीज है, बहुत चीज है। नहीं नहीं, आपकी पेशा क्या है सो बता दीजिए, आप पेशा बता दीजिए। पेशा जी, पेशा मैं कान व्यवसायी हूँ जी। नेपाल में ये मेरा प्रैक्टिस है जी, और जो बहुत वर्ष 25 वर्ष मैं वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी 10 दिन से आप इंडिया जर्नी में हैं, अभी आप मेरे घर पर हैं, तो ये जर्नी कैसा रहा आपके लिए? सबसे पहले आपके ही घर में नहीं, मेरा दीदी और जीजा जी के घर में है जी, भांजा बाबू के घर में है जी, है ना, और इन्जॉय करते हैं। एक रिलेशन जो है, जो संबंध है, उस संबंध को हम लोग जैसे और तरोताज़ा जब आते हैं जाते हैं तो वो संबंध और तरोताज़ा हो जाता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पूरा 10 ही आप बिताए इंडिया में, अच्छा लगा। अब अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण हुआ जी, मैं अपना भैगना के साथ, भैगना मेरे साथ रहें, आप साथ रहें, दीदी साथ रहें, ऐसे ही जीवन चलता रहे और अच्छा रहेगा। राजा तू हमको ये बताओ, कहाँ कहाँ ले गए मामा को, सब बताओ, मामा मामी सबको। सबसे पहले तो हम लोगों का जो जर्नी है जी, वो गोरखपुर से शुरुआत हुआ जी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मामा जी, मामी जी, भाई बहन आए, मुझे रिसीव किए, फिर वहाँ से हमारा और इनका सफर चालू हुआ जी। सफर चालू होते ही सबसे पहले हमने प्लानिंग किया कि बहुत नज़दीक वहाँ से अयोध्या जी है जी, तो हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले अयोध्या जी घूमा जाए जी, रात वहीं स्टे किया जाए जी। तो अगला दिन सुबह हम लोग अयोध्या जी गए, अयोध्या जी घूमे। और कहाँ कहाँ गए? उसके बाद हम लोग वहाँ से गए लखनऊ जी। लखनऊ में मेरे भाई का बहुत ज़्यादा मन था कि कुछ बाहर के जो कुछ रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे KFC हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, पिज्ज़ा हो गए, इस सब के माध्यम से जी, ये सब का सेवन किया जाए जी। तो भाई को लेके वहाँ गए, वहाँ गए अच्छा से घूमे लखनऊ, फिर वहाँ से गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचते ही अगले दिन भाई का संस्कार कार्यक्रम जो हुआ वो हुआ। उसके बाद उसके अगले सुबह हम लोग ऋषिकेश गए। ऋषिकेश हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए, कहने का था मैं कह सकता हूँ घूमना भी, लेकिन मनाए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से एक पर्व को उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने ऋषिकेश में वैसा पल बिताया। तो उसी के लिए ऋषिकेश घुमाने ने नहीं, मनाया। अच्छा जी, ठीक है। फिर ऋषिकेश से जब मैं वापस आया तो एक दिन लखनऊ में स्टे किया जी। लखनऊ सारा घुमा जी, जितना हो पाया उतना जी। फिर लखनऊ के बाद मैं सीधे वहाँ से वापसी के क्रम में बिहार एंट्री किया। बिहार आने के बाद यहाँ आया, जयनगर आया। फिर जयनगर आने के बाद जयनगर के घर पे रहा। उसके बाद इन लोगों को मैंने मधुबनी घुमाया, दरभंगा घुमाया, मुजफ्फरपुर घुमाया, पटना घुमाया, वैशाली हो गया, और वहाँ से इनका सफर धीरे धीरे अब पूरी यात्रा में तुम साथ रहे। हाँ, दशहरा का ये सफर लगभग समाप्त हुआ। अब मुझे भी मतलब अंदर से बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि जिन लोगों के साथ मैंने 10-12 दिन बिताया है वो अब हमें छोड़ के फिलहाल जा रहे हैं। मुलाकात तो होती रहेगी जी, जी। लेकिन एक माया ममता जुड़ गया हुआ था जी। बस इतना ही। प्रत्युष, प्रत्युष, तुम्हारा जन्म संस्कार हुआ हरिद्वार में, तो तुम भी हरिद्वार कैसा लगा तुमको हरिद्वार? हरिद्वार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर मी जी। The very first Ganga Snan, which is the famous thing everybody wants to do, all those pap and all those things are washed in Ganga, as they say. So it was an opportunity for me to bathe myself in Ganga as well. So I didn't miss the opportunity, so I bathed in Ganga. So Janu Sanskar was a thing that I wanted to do since a long time. It was just fascinating to me about wearing Janu. So at the beginning, I didn't know much about Janu, but later on, after putting Janu in that sanskar, I got to learn a lot of things in that. So, madam, आप भी तो पूरा घूमा इंडिया जी। रिम्सा,
तुमसे दुल्हन केवल जानेंगे अभी कि हरिद्वार गई सबसे पहले, पहले नाम बता दो तुम। नमस्ते, मेरा नाम रिमशा यादव है। तो हरिद्वार गई और कहाँ कहाँ गई? So we went to Haridwar, we went to Rishikesh, and then we also roamed around a little in Lucknow, and then we returned to Madhubani, and then finally Jayanagar. अभी तुम जयनगर में हो, मेरे घर पर हो। सर आप अपना परिचय देंगे और साथ ही आपके घर पर जो मेहमान आए हैं उसके बारे, उसके जर्नी के बारे में आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है और मैं जयनगर का निवासी हूँ। यादव निवास मेरा मकान है और महिला कॉलेज जयनगर में मैं प्रिंसिपल हूँ अभी वर्तमान में। और ये जो लोग हैं, जैसे ये राजकिशोर जी हैं हमारे साले साहब हैं, और ये प्रत्यूष है हमारा साला का लड़का है, ये विमला जी हैं हमारी सरोजनी है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और ये हमारे साले का लड़की है जो लॉ कर रही है रिमशा यादव, और वो हमारी पत्नी है उर्मिला देवी। और इन्हीं के बदौलत ये लोग जो इतने सारे गेस्ट लोग हैं इन्हीं के बदौलत आए हैं, और इन्होंने बहुत स्वागत किया है इन लोगों को। और ये लोग आए थे हमारे पास, अभी आए हैं काठमांडू से चले थे, हरिद्वार गए थे, वहाँ पर इसका प्रत्युष का जनेऊ संस्कार हुआ था। वहाँ पर जनेऊ संस्कार करने के बाद में वहाँ से ये लोग टूर करते हुए, हमारा लड़का राजा राज है वो उनको पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ सुविधा हुआ, उत्तराखंड गए, यूपी में बहुत जगह गए, बिहार में पटना वगैरह जहाँ कहीं भी टूर करना था टूर कराते हुए ये लोग जयनगर आए। आज हम बहुत खुश हैं कि इतने सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं। दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, सात दिन से मतलब हम लोग, हमारा पूरा परिवार इस तरह से खुशहाल है जो लगता है कि कोई मुख्य अतिथि हमारे घर में आ गए हैं। और हम इन लोगों को हृदय से, तहे दिल से इनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि ये लोग हमारे घर पर आए और हमारे घर का माहौल को इतना पॉजिटिव बना करके रखे। ये हमारे साले साहब जो हैं राजकिशोर जी, हमारे दिल से जुड़े हुए आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो एडवोकेट हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन हम इनको अपने घर में आते हैं तो हम उसको ऐसा फील करते हैं जैसे हमारे एक फैमिली का एक मतलब भाईचारा जैसे होता है, भाइयों में जो प्रेम होता है उससे ज़्यादा प्रेम के साथ हो जा रहा है हमारा। तो हम इन सारे लोगों को, रिमशा को, विमला जी को, प्रत्युष को, राजकिशोर जी को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही अपनी पत्नी उर्मिला देवी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इन परिस्थितियों में इतना बढ़िया स्वागत इन लोगों को किया और भाई सबको मतलब बढ़िया से देखी हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इन सारे।